सो हे गाइस, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, अगर आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो दोस्तों आप 100% सही क्लिक किए हो, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं। और दोस्तों इस ट्रिक को मैंने खुद पर्सनली यूज किया है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मेरा एक सेकेंड चैनल है जिसको मैं रन करता हूं, और दोस्तों उस चैनल से मैं काफी अच्छा खासा अर्निंग करता हूं। तो दोस्तों उस चैनल पर मैंने एक ट्रिक यूज किया, उस ट्रिक की वजह से दोस्तों मेरे चैनल पर काफी ज्यादा व्यूज आ रहे हैं और दोस्तों काफी अच्छे खासे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी उस ट्रिक को यूज कर लोगे तो डेफिनेटली दोस्तों आप भी अपने चैनल पर रेगुलर व्यूज लाओगे और दोस्तों अच्छे खासा सब्सक्राइबर कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हो और दोस्तों आप भी अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, वॉच टाइम बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। दोस्तों काफी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने चैनल पर काफी दिनों से काम कर रहे हैं, उनको ये ट्रिक नहीं पता है और दोस्तों उनके चैनल पर अभी तक 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो आप अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, तो दोस्तों इस ट्रिक को देख कर जाना। और दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को देख लेते हो, और दोस्तों मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं, अगर दोस्तों आप इससे जान जाते हो तो दोस्तों आप सोचोगे यार मैं इस ट्रिक को पहले क्यों नहीं जाना, मैंने इस चीज को क्यों नहीं अप्लाई किया जिससे कि दोस्तों आपके चैनल पर सब्सक्राइबर अभी तक नहीं बढ़ा है। तो दोस्तों अगर आप अभी इस ट्रिक को जानना चाहते हो और दोस्तों आप अभी अपने चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये है मेरा सेकेंड चैनल। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि मैंने अपना सेकेंड चैनल ओपन करके रखा है और दोस्तों मैं इस चैनल से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करता हूँ, यानी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग करता हूँ। जितना मेरा मेन चैनल से नहीं होता, जिस चैनल पर अभी आप वीडियो देख रहे हैं इस चैनल से उतना ज़्यादा अर्निंग नहीं होता, उससे कई गुना इस चैनल से मेरा अर्निंग होता है। क्यों होता है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट गाइज जिस रीजन से मैं आप लोगों को ये चैनल दिखा रहा हूँ पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं पहले इस चैनल के एनालिटिक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं कि ओवरव्यू है, यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हो कुछ नोटिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिले। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ एंड पब्लिश्ड मोर वीडियोज हेल्प्ड योर चैनल गेट 344% मोर व्यूज देन यूजुअल। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं आप लोगों को इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ हिंदी में, तो दोस्तों आप लोग समझ पाओगे। तो दोस्तों यहाँ से मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि आपकी मेहनत रंग लाई, अधिक वीडियो प्रकाशित करने से आपके चैनल को सामान्य से 344% अधिक बार देखा गया। यानी दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पर जिस तरीके से वीडियो अपलोड किया है, जितना ज्यादा वीडियो अपलोड किया उससे दोस्तों हमारे चैनल को इतना ज्यादा बूस्ट मिला है, जिससे कि दोस्तों हमारे चैनल पर पहले 100 मान लो व्यूज आते थे तो दोस्तों अभी 3000 व्यूज आते हैं। तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आपका जो चैनल है वो किस वजह से ग्रो होता है, आपके वीडियो के अपलोड करने से। तो दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पर काफी ज्यादा वीडियो अपलोड किए। दोस्तों मैंने एक महीने पहले मेरे चैनल पर मात्र दोस्तों 30 वीडियोस थे, और दोस्तों अभी एक महीने के बाद दोस्तों मैंने अपने चैनल पर एक महीने में मैंने 50 वीडियो अपलोड कर दिया है। यानी दोस्तों अभी 80-83 वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, और दोस्तों मैं इस चैनल से इतना अच्छा खासा अर्निंग कर रहा हूं क्योंकि गाइज मैं अपने इस चैनल पर काफी ज्यादा वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो दोस्तों मेरे इस चैनल से मतलब काफी अच्छे खासा व्यूज सब्सक्राइबर दोनों मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपको इससे सीखने के लिए क्या मिलता है कि आप भी अपने YouTube चैनल पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करें। दोस्तों मैंने इस चैनल पर एक दिन में 3-3 वीडियो भी अपलोड की है, एक दिन में मैक्सिमम दोस्तों मैंने मिनिमम एक वीडियो और मैक्सिमम मैंने 3 वीडियो अपलोड की है। तो दोस्तों आप भी अपने चैनल पर रेगुलर काम करो, आप भी अपने चैनल पर कंटिन्यू काम करो। और दोस्तों मैंने इस पर एक ट्रिक यूज किया है कि दोस्तों मैंने सिर्फ सर्चेबल टॉपिक पर मैंने टॉपिक को फाइंड करने में 10 घंटे मैंने लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 10 घंटे मैंने एक टॉपिक को फाइंड करने में 10-10 घंटे लगाया है, जिसके वजह से दोस्तों मैंने सर्चेबल टॉपिक फाइंड किया। और दोस्तों मैं देखता था कि किस टॉपिक पर मतलब सर्च ज़्यादा चल रहा है, उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता था। और दोस्तों ऐसा नहीं कि मैं किसी भी कैटेगरी का बनाता था, मैं अपने नीच से रिलेटेड मैं अपने कैटेगरी का ही वीडियो बनाता था, जिससे कि दोस्तों मेरे चैनल पर अच्छे खासे व्यूज हुए और दोस्तों अच्छे खासे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हो कि लास्ट 28 दिन में मेरे चैनल पर 614 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो दोस्तों बहुत ही छोटा चैनल था, लेकिन दोस्तों मैं अभी इसको बहुत ही बड़ा चैनल बना रहा हूं और दोस्तों मेरे चैनल पर काफी अच्छे खासा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इससे आपको सीखने के लिए क्या मिलता है कि आपको अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो डालना और दोस्तों रेगुलर काम करना है, जिससे कि दोस्तों आपका चैनल ग्रो हुआ है। और दोस्तों आप अपने चैनल पर सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने के
चक्कर में मत पड़ो दोस्तों, आप अपने चैनल पर काम करो, आपके चैनल पर रेगुलर ऑटोमेटिक मतलब सब्सक्राइबर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों रेगुलर काम करने से ही आपका चैनल ग्रो होता है, सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने से आपका चैनल ग्रो नहीं होता है। सो गाइस मेरी बातें आपको समझ में आई हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना। सो गाइस आप लोगों ने तो देख लिया कि मेरे YouTube चैनल पर किस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, किस तरीके से व्यूज बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सिर्फ इसका एक ही कारण है, रेगुलर वीडियो डालना और दोस्तों एक से अधिक वीडियो डालना। तो दोस्तों इससे क्या होता है कि आपके चैनल पर इंप्रेशन ज्यादा आते हैं और इंप्रेशन ज्यादा आते हैं तो दोस्तों आपके चैनल पर समझ सकते हो कि सब्सक्राइबर कितना ज्यादा बढ़ने वाला है। सो गाइस कुछ इसी तरीके से आप भी अपने YouTube चैनल पर पहले ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करें तो दोस्तों ऐसे में आपका चैनल बूस्ट भी कर सकता है और दोस्तों आपका जो चैनल है वो ग्रो भी हो सकता है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।